हेलो दोस्तों, मैं निकिता। दोस्तों, चेयर देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वर्कआउट है वो चेयर पे होने वाला है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी रीज़न की वजह से नीचे नहीं बैठ पाते या जिनके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है और वो उस दर्द की वजह से नीचे नहीं बैठ पाते, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसके वजह से आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, आप या फिर बेड पे ही बैठे हुए हैं या फिर आप चेयर पर ही हैं, तो और ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आप नीचे नहीं बैठ पा रहे। तो आज का जो वर्कआउट है वो उन्हीं के लिए है कि वो चेयर पे बैठे बैठे अपना जो वेट है, जो वेट बढ़ गया है बैठे बैठे, वो कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को अपनी थाइस के साइड में रखेंगे और आपको क्या करना है, अपने पंजों पर इस तरीके से उठना है और फिर एक बार अपनी एड़ियों को उठाना है। यही करेंगे हम 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20। रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, ये हम करेंगे अपने साइड बेली फैट को, ब्रा बल्ज या फिर जो हमारे बैक का साइड का फैट निकला हुआ होता है उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सर के पीछे रखना है और आपको साइड में अपने बैंड होना है इस तरीके से और फिर वापस। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, हमारी थर्ड एक्सरसाइज। सेम, हमारे जो हाथ हैं वो हमारे सर के पीछे रहेंगे, आपको कान से जस्ट ऊपर हल्का सा पीछे की तरफ रखना है, अपनी गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ये एक्सरसाइज हमारे बेली फैट को, जो हमारा बेली का फैट है, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है, उसको कम करेगा, आपके फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, एक्सहेल करते हुए डाउन जाना है और फिर वापस। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, बैक आपकी स्ट्रेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप बस धीरे धीरे इस तरीके से उठाइए। आप चाहें तो चेयर के नीचे यहाँ पे अपने पिल्लो भी लगा सकते हैं, पर वो ज़्यादा ऊंचा ना हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको अपने पैर को धीरे धीरे इस तरीके से लिफ्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स। बढ़ते हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। आप चेयर के आगे भी बैठ सकते हैं, थोड़ा सा आगे आके, या फिर आप पीछे बैक का सपोर्ट लेके आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने एक एक पैर को लिफ्ट करना है इस तरीके से। आप जितना लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करेंगे, एकदम से आपको ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सरसाइजेस जिन्हें आप नीचे नहीं बैठ पाते, जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते उनके लिए, जिनके नी में प्रॉब्लम है उनके लिए, या जिनका घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है या कोई भी ऐसा रीज़न है कि वो नीचे बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो वो ये एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितने आपको राउंड करने हैं, रेपिटेशंस करने हैं। तो आपको इन सभी एक्सरसाइजेस के 3 राउंड्स करने हैं और बहुत ही धीरे धीरे करने हैं। आप एकदम से आपको प्रेशर नहीं डालना, और आपको इन सभी एक्सरसाइज के 15 टू 20 रेपिटेशंस करने हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसकी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ बैठे बैठे ही तो करनी है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपना रिजल्ट, अपना सजेशन ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।